आज आप जीशू चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एटले जेनी बे घात हो एवो समीकरण। तो द्विघात समीकरण व्यापक स्वरूप आपने जोवा मळशे ए एक्स नो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स नो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। आ थयो आपणो द्विघात समीकरण व्यापक स्वरूप, ज्यां तमने खबर होवी जोईए के a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हसे तो ज आ समीकरण द्विघात समीकरण बनशे। तो जुओ आगळना स्वाध्याय 4.1 मां एक्सरसाइज 4.1 नो पहेलो दाखलो आपणे जोईए के नीचे आपेल समीकरण द्विघात समीकरण छे के केम ते समजाओ। नीचे आपेल समीकरण द्विघात समीकरण छे के केम ते आपणने समजावानुं छे। तो जुओ पहेला दाखलामां आपणने शुं आप्युं छे, x + 1 નો વર્ગ બરાબર 2 ગુણ્યા x - 3। तो अँ आई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बे एक्स प्लस एक, ओके गुणाकार करो बे एक्स बे तरी छ, चलो एक्स स्क्वायर प्लस बे एक्स प्लस एक आ बने किंमत ने अंदर लई आओ, माइनस बे एक्स प्लस छ बराबर केटला थया मित्रों जीरो थया, ओके माटे एक्स स्क्वायर बे एक्स थी प्लस बे एक्स माइनस प्लस उड़ी गया અને એક અને છ કેટલા થયા મિત્રો સાત થયા। તો આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં તો જુઓ ચકાસીએ આપણે અહીં આ જે સમીકરણ છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર ઝીરો એની વડે કમ્પેરિઝન કરીએ તો અહીં કિંમત શું આવશે એની જગ્યાએ આવશે એક, કેમ કે એક્સ સ્ક્વેર જોડે કોઈ પણ સંખ્યા નથી એટલે એક જ હોય, બીની કિંમત તો આપી જ નથી આપણને તો બી કેટલો થઈ જશે ઝીરો થઈ જશે અને સી સીની કિંમત આપી છે સાત। तो आपने आ समीकरण ने आज समीकरण ने आपणे आवी रीते लखी सकीए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सात बराबर जीरो, एटले एनी किंमत शून्य नथी, बीनी होय तो चालशे सीनी होय तो चालशे पण एनी किंमत शून्य नथी माटे आपेल समीकरण द्विघात समीकरण छे। द्विघात समीकरण छे ओके। चलो हवे बीजो दाखलो आपणे जोईए। बीजा दाखलामां आपणने आप्युं छे एक्स स्क्वेर माइनस बे एक्स बराबर माइनस बे अने त्रण माइनस एक्स, ओके चलो हवे आने पण आपणे गुणाकार करिए। माइनस बेनो गुणाकार त्रण जोड़े माइनस छ, माइनस अने माइनस प्लस बेनो गुणाकार एक्स वडे बे एक्स थया। ફરીથી એ જ પ્રોસેસ કરો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ બે એક્સ અંદર બાજુ લાવશો પ્લસ છ અને માઇનસ બે એક્સ બરાબર ઝીરો, માટે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ બે અને માઇનસ બે થશે ચાર એક્સ પ્લસ છ બરાબર ઝીરો। તો જુઓ હવે કમ્પેરિઝનમાં એ બરાબર એક, બી બરાબર માઇનસ ચાર અને સી બરાબર કેટલા થયા છ થયા, માટે આપેલ સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે। આપેલ સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ છે ઓકે। ચલો હવે ત્રીજો દાખલો જુઓ। ત્રીજા દાખલામાં આપણને શું કીધું છે એક્સ માઇનસ ટુ એક્સ પ્લસ વન બરાબર એક્સ માઇનસ વન અને એક્સ પ્લસ ત્રણ, ઓકે ચલો હવે આ દાખલામાં આપણે જોઈએ તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ એક્સનો ગુણાકાર એક્સ સ્ક્વેર, એક્સનો ગુણાકાર એક જોડે એટલે એક્સ માઇનસ બેનો માઇનસ બે એક્સ, માઇનસ બે ગુણ્યા એક એટલે માઇનસ બે, બે એકા બે, અહીંયા જશે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ત્રણ એક્સ માઇનસ એકનો એક્સ વડે માઇનસ એક્સ, માઇનસ એકનો ત્રણ વડે માઇનસ ત્રણ, ઓકે ચલો હવે એક્સ સ્ક્વેર એક્સને માઇનસ એક્સ વડે બાદ કરશો તો માઇનસ એક્સ માઇનસ બે, એક્સ સ્ક્વેર ત્રણને એક વડે બાદ કરશો તો પ્લસ બે એક્સ માઇનસ ત્રણ। ચલો હવે આ બધી સંખ્યાઓને આ બાજુ લઈ આવો એટલે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ માઇનસ બે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ બે એક્સ વત્તા ત્રણ બરાબર ઝીરો, એક્સ સ્ક્વેરથી એક્સ સ્ક્વેર ઉડી ગયો, માઇનસ એક્સ અને માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ એક્સ પ્લસ એક બરાબર ઝીરો, ઓકે
तो जो है व्यापक स्वरूपे आपने लई जाइए तो व्यापक स्वरूपे लई जता आनी किंमत शू आ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस त्रण एक्स प्लस एक बराबर जीरो एट्ले एनी किंमत के थी जीरो बीनी माइनस त्रण अने सीनी के थी एक थी माटे एनी किंमत जीरो है द्विघात समीकरण मुजब एनी किंमत क्यारे जीरो आवी सके नहीं माटे आपेल समीकरण आपेल समीकरण द्विघात समीकरण नथी। ओके चलो चौथो नंबर नो दाखलो आपणे जोईशुं एक्स माइनस त्रण बे एक्स प्लस वन बराबर एक्स अने एक्स प्लस पांच। ओके गुणाकार करो एक्स नो बे एक्स वडे टू एक्स स्क्वायर एक्स नो एक वडे एक्स माइनस त्रण नो बे वडे माइनस छ एक्स माइनस त्रण नो एक वडे माइनस त्रण अहीं करो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स। ओके चलो बे एक्स स्क्वायर एक्स ने छ एक्स वडे बात करता माइनस पांच एक्स माइनस त्रण अहीं आवशे एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स बधी किंमत ने आ बाजू लई लो तो बे एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स माइनस त्रण माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स बराबर जीरो। आ बने किंमत प्लस थी आ बने किंमत ने अंदर लई जता माइनस थी जैसे बे एक्स स्क्वायर में थी एक्स स्क्वायर बात करो एक्स स्क्वायर माइनस पांच अने माइनस पांच माइनस दस एक्स अने माइनस त्रण बराबर जीरो समीकरण जोड़े सरखावता एनी किंमत एक बीनी किंमत माइनस दस अने सीनी किंमत आई जैसे माइनस त्रण आई जैसे माटे आपेल समीकरण द्विघात समीकरण छे। तो मित्रों जो पांचमो दाखलो आपने जोईए टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव अने एक्स माइनस वन आ बने गुणाकार करूँ केटलो आवशे टू एक्स स्क्वायर टू एक्स नो त्रण वडे माइनस छ एक्स माइनस एक नो एक्स वडे माइनस एक्स अने माइनस केटलू थयू प्लस त्रण एक्स नो एक्स वडे एक्स स्क्वायर एक्स नो एक वडे माइनस एक्स पाँच नो एक्स वडे पाँच एक्स माइनस पाँच। ओके तो चलो टू एक्स स्क्वायर छ अने एक केटला थया बेटा सात एक्स प्लस त्रण एक्स स्क्वायर पाँच माथी एक बात करो केटला थया चार एक्स माइनस पाँच टू एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस त्रण माइनस एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो बे माथी एक बात करो एक्स स्क्वायर सात अने चार अग्यार त्रण अने पाँच आठ माटे आ समीकरण द्विघात समीकरण छे द्विघात समीकरण छे। मित्रों केम छे ए पण जोई लो एनी किंमत केटली छे एक छे बीनी किंमत माइनस अग्यार अने सीनी केटली छे आठ ए जीरो ना होवो जोईए बस ए शरत छे माटे आ द्विघात समीकरण हशे। बाकीना दाखला नंबर तमारा होमवर्क माटे ट्राई करो तमे दाखला नंबर छ सात अने आठ तमारा होमवर्क में।